हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो 18 क्वेश्चन हमारे पास, डिवाइड में देखो दो क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यानी एक्स स्क्र प्लस 3x² + 4, ये ए एक्स प्लस बी के नीचे आएगा, ये सी एक्स प्लस डी, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये एक पहला क्वेश्चन है जहाँ हम एक्स स्क्र को क्या पुट कर देंगे, टी। बट जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, हमने टी पुट किया है, लेकिन साथ ही साथ उसका डिफरेंशिएट किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम जस्ट एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे इंटीग्रेशन करने से पहले, फिर टी को एक्स स्क्वायर फिल कर देंगे। तो देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3 और टी प्लस 4। ठीक है, तो हमने इसको, यानी इंटीग्रेशन का साइन नहीं पाना, हमने जस्ट एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, और ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की पावर सेम है। तो टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3 और टी प्लस 4। तो हमने क्या करना है, एक ये दोनों पावर सेम है, डिवाइड करना। तो हम, आप क्या लिख दो, 1 ए के डिवाइड में टी प्लस 3 और बी के डिवाइड में टी प्लस 4। ठीक है, पहले क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ टी फिल कर दिया, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली 1 के डिवाइड में ए पॉन टी प्लस 3 और बी पॉन टी प्लस 4 लिख दिया। अब इनका एलसीएम लेके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टी प्लस 1, टी प्लस 2 डिवाइड बाय टी प्लस 3 और टी प्लस 4। तो यहाँ आ जाएगा टी प्लस 3, टी प्लस 4, ए के साथ टी प्लस 4 और बी के साथ टी प्लस 3 और डिवाइड में टी प्लस 3, टी प्लस 4, ये दोनों कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3, टी प्लस 4, ए टी प्लस 4 और बी टी प्लस 3। तो अब हमने ए के डिवाइड में टी प्लस 3, अब टी की वैल्यू एक तो -3 पुट करेंगे, एक -4। इसको इक्वल टू 0 रखो -3, इसको इक्वल टू 0 रखो -4। तो पहले हम टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3। जहाँ जहाँ टी है वहाँ -3 फिल कर दो। तो यहाँ हमारे पास -3 प्लस 1, -3 प्लस 2, और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, -3 प्लस 3 0। यहाँ ए -3 प्लस 4 1 और बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो 3 -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 2 -1। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 2। इसी तरह बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब टी क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे -4, क्योंकि बी के डिवाइड में हमारे पास क्या है, -4 है, यानी टी प्लस 4 है। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -4। तो जहाँ जहाँ टी या -4 फिल कर दो, तो -4 प्लस 1, -4 प्लस 2। अब ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि टी प्लस 4 है, ये भी 0 हो जाएगा ए। तो क्या बचेगा, बी -4 प्लस 3। यहाँ क्या आ गया, -3 -2 और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव बी। और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 नेगेटिव बी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -6। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6। अब हम यहाँ ए और बी की वैल्यू फिल करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और बी की वैल्यू क्या है, -6। अब टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और -6 एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इनकी भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया लेकिन उसका डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले टी की वैल्यू हमने क्या फिल कर दी, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 dx, 2
एक्स स्क्वेयर, और यह 3i से हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वेयर, और 6 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। अब 1 की इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हमारे पास फाइनल आंसर है एक्स प्लस टू रूट ऑफ 3, टेन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ 3, ये कैंसल, तो ये आ गया 3 टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 2x डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वेयर को t, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और t का dt बाय dx, तो 2x dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। तो 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt, और डिवाइड में आ गया t प्लस वन और t प्लस थ्री। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली टी प्लस वन टी प्लस थ्री, तो ये क्या लिखेंगे, ए के डिवाइड में टी प्लस वन और बी के डिवाइड में टी प्लस थ्री। अब एलसीएम लेंगे टी प्लस वन टी प्लस थ्री और ए टी प्लस थ्री और बी टी प्लस वन डिवाइड में टी प्लस वन और टी प्लस थ्री, ये दोनों वैल्यू कैंसल, तो हमारे पास वन ए टी प्लस थ्री और बी टी प्लस वन। तो सबसे पहले ए की टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो को टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, नेगेटिव वन, तो पुट टी नेगेटिव वन, तो वन, तो यहाँ नेगेटिव वन पुट करेंगे, नेगेटिव वन प्लस थ्री टू, बी क्या हो जाएगा जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई वन बाय टू। इसी तरह अब टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो रखो तो टी की वैल्यू नेगेटिव थ्री, तो पुट टी नेगेटिव थ्री, तो जहाँ जहाँ टी या नेगेटिव थ्री पुट करेंगे तो नेगेटिव थ्री प्लस थ्री ये भी जीरो, और नेगेटिव थ्री प्लस वन तो वन, तो यहाँ आ गया नेगेटिव टू, तो बी की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव वन बाय टू, ए की वैल्यू वन बाय टू और बी की वैल्यू नेगेटिव वन बाय टू। अब यहाँ फिल करते हैं क्वेश्चन में, अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ फिल करते हैं, ए की वैल्यू है वन बाय टू और बी की वैल्यू है नेगेटिव वन बाय टू। अब इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस वन की इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन, और इसकी इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस थ्री। अब इन दोनों में से वन बाय टू कॉमन, लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू हमने क्या फिल की थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वन और माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री। तो लॉग एम माइनस लॉग एन की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, वन अपॉन एक्स एक्स की पावर 4 माइनस वन, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने 16 क्वेश्चन किया था, वन अपॉन एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन, उसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया था एक्स की पावर एन माइनस वन को, इसमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, अब एक्स को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स फोर, बस सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब एक्स फोर माइनस वन को क्या फिल कर देना, टी, तो एक्स फोर का डेरिवेटिव फोर एक्स क्यूब और टी का डी टी बाय डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स हमारे पास क्या आ गया वन बाय फोर डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है वन बाय फोर डी टी, और एक्स फोर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी टी प्लस वन, और जहाँ जहाँ एक्स फोर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी टी प्लस वन, और एक्स फोर माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या है टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है आई,
ठीक है, तो इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, आई वन। अब हमने आई वन को सॉल्व करना है, आई वन हमारे पास क्या है, टी प्लस वन और टी, और सॉल्व करके फिर 1/4 के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन अब हम इसे क्या फिल करेंगे, 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी, तो ए के डिवाइड में टी प्लस वन और बी के डिवाइड में टी। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी, ए को टी के साथ मल्टीप्लाई, बी को टी प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड में टी और टी प्लस वन, ये दोनों वैल्यू कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 ए के साथ टी और बी के साथ टी प्लस वन। अब सबसे पहले टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखो, तो टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, -1। तो 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव है, बी क्या हो जाएगा, 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब क्या पुट करेंगे टी की वैल्यू, अब बी के नीचे क्या है, टी है, तो टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, ए तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब ए और बी की वैल्यू फिल करेंगे, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी dt, ए के डिवाइड में टी प्लस वन और बी के डिवाइड में टी। अब ए की वैल्यू है हमारे पास -1 और बी की वैल्यू है हमारे पास 1, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, -log(t+1)+log(t+c। अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी की वैल्यू थी x^-1, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, x^-1, x^-1+c, तो ये 1 के साथ 1 कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई log(x^+log(x^-1)। ठीक है, तो अब हम यहाँ फिल कर देंगे, आई में 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू को फिल कर देते हैं, सबसे पहले हमारे पास 1/4, फिर हमारे पास आएगा log(-log(x^+log(x^+1) प्लस सी, तो ये हमारे पास लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log(x^+1)/4, यानी जो इसके आगे पॉजिटिव का साइन है वो न्यूमिनेटर है, जिसके आगे नेगेटिव का साइन है वो डिनोमिनेटर रह जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है, तो आज हमारे 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द चैनल।